व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड इन अदर ब्लॉग। तो गाइज, हैप्पी दशहरा। आज दशहरा है और अभी 9:30 हो रहे हैं रात के, और मैं अभी जा रही हूँ दशहरा देखने। और हो सके तो मैं बहुत भीड़ होती है यार, हो सके तो मैं आज पूरी, मतलब सदर का जुलूस निकलेगा आज, और आज रावण भी जलेगा, तो हो सके तो मैं सब कुछ जितना हो सके उतना दिखाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। मैं, अर्पिता और जा रहे हैं, मतलब मोहल्ले से भी और लोग जा रहे हैं और दोस्त लोग भी जा रहे हैं, तो देखते हैं जैसा भी। और आज गोरा बाजार की भी दुर्गा जी दिखाऊंगी, क्योंकि कल फिर उठ जाएंगे और फिर जो जो इतना सुंदर सुंदर मंदिर बना है वो नहीं दिखा पाऊंगी। तो चलो, थक गए और हवा में नीचे चलते हैं, और अब ब्लॉग कंटिन्यू देखो। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी और अब मैं रोड में ही देखूंगी, ठीक है? चलो बनाए हुए थर्माकोल। गोल्डन टेंपल बना है और भी पूजा चल रही है, अंदर कैसे जाएंगे? ओम ह्रीम ह्रीम दर्शन त्वम चंडकाय स्वरूपसादिकाः ओम आम ह्रीम खड्ग आम हुम खड्ग। अंदर कैसे जाएंगे? तलवार ऊपर उठाओ, उधर से चलते हैं। ओम काले काले पजे इधर से लोह दंडाय नमः। ये सब पूरा पानी पानी, सुंदर गांव हुआ है गाइस। देखो ध्यान से, देखो चलो तो गाइस, ये गोरखपुर की है, बहुत मतलब अंदर जाना पड़ेगा अभी। अंदर जाना पड़ेगा, चलो सुंदर लग रहा है ना। लेकिन फोटो खिंचा सकते हैं पता है यहाँ पे, है ना? हाँ नहीं, अपन आते टाइम नहीं, क्योंकि वहां से अपन डायरेक्ट बाहर भेज देंगे। हाँ, वो वाली रोड में। जय श्री राम।
यही भीड़ है, जहाँ मात्र यही भीड़ रहती है। नवज्योति दुर्गा मंडल परिवार चिड़िया, कितनी सारी चिड़िया। अभी राम जी निकलेंगे यहाँ से, पूरी मतलब रैली निकलेगी। अभी पहली बार ही ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है यार। ढोल देखो, ढोल भीड़ देखो,
अभी तो कम हो गई है। Thank you.
इकट्ठे हो रहे हैं और इतने टाइम मैं अभी आई हूँ यहाँ पे, मैंने अर्पिता को छोड़ के फिर मैं यहाँ आई हूँ, घर आई हूँ, और मतलब बहुत मज़ा है बहुत। और आई होप आप लोग को भी मज़ा आया, क्योंकि वो चीज़ मैंने पहली बार देखी जो मतलब रावण जलता है और फिर राम जी की रैली, ये मतलब मैंने देखी लेकिन अंदर ग्राउंड में जाके नहीं देखी, बहुत साल पहले देखी हूँ तो तक कुछ ध्यान भी नहीं है, बट बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मैंने 2 से 3 आपको दुर्गा जी दिखाई हूँ। दुर्गा जी तो अभी 4 बजे तक चलेगी भैया, 4 बजे तक पूरी रैली घूमेगी, बट मैंने नहीं यार अभी अर्पिता को भी लेट हो रहा था, उसके पापा को फोन आ रहा था, इसलिए हम लोग घर आ गए। और वहाँ पर मेरे पूरे फैमिली वाले थे तो दिक्कत नहीं थी और इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ। तो या गाइस अब मैं हो सके तो देखती हूँ कल दिखाऊंगी गोरा बाजार वाला जुलूस, बट मैं पूरा आप सोच रही जितना हो सके जुलूस दिखा पाऊँ, क्योंकि ऐसे तो मैं गई नहीं दशहरे में। तो या गाइस अब मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ कल आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।